गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कहाँ कहाँ भटक रही है बोली आत्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे। गरीब दास कबीर साहब कहते हैं, इस वियोग को हो समझ ना सकता कोई। आप तो मुझे ढूंढ रहे हो, कबीर भगवान कह रहे हैं, और मैं तुम्हें रो रहा हूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, तुम कितने कष्ट उठा रहे हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और यहां तो इस काल के लोक में तुम्हें भाग्य से अधिक कोई नहीं दे सकता, वो मैं दूंगा, जो आवश्यक होगी वही दूंगा। और तुम बालक हो, अननेसेसरी डिमांड करोगे वह नहीं दूंगा, जो तुम्हारे भक्ति में बाधा करे वो नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल के जाल से छुटाकर सतलोक ले जाना है। और सतलोक में जाने के बाद आपका ऐसे ही जन्म होगा, एक बार ऐसा ही होगा, फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका वहां परिवार होगा, आप वहां से आए हो, आपके वहां पूरी व्यवस्था, पूरे महल मकान एज इट इज है, क्योंकि वो मकान कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, नाश नहीं होते, बहुत सुंदर मटेरियल है, और वहां जाकर आप सदा रहोगे। हम अपनी गलती से उस परम पिता के दरबार के भरे थाली का ठोकर मार के आए हैं, इस काल के जाल में फंस गए। हमने यू प्यारा लगा इसकी एक्टिंग देख के, यू तपस्या कर रहा था वहां पर, और हम अपने भगवान को भूल कर इस काल के को अपना मान बैठे। आज इस काल ने हमारे साथ के जुल्म कर रखे हैं। अब आपको हमें ये लोक वेद सुना करते थे, ये अपने सदग्रंथों से अभी परिचित नहीं थे, ये ब्राह्मण गुरु ऋषि महर्षि इन पुराणों से भी परिचित नहीं थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ऐसे कहा करते थे। ये लोक वेद था, दंत कथा थी, और इनके जीवनी में लिखा है कि इतना नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ये ब्रह्म इनका पिता है, ज्योति नंद। ये देखिएगा जीवनी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी, ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और देखना इस पे 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं और अपनी सतीथि बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा विष्णु, मैं माने विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, त्रोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपका गीता जी में काम आएगा, जो 14वें अध्याय में दास आपको बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी ये जीव को कर्मानुसार फंसाए रखते हैं। प्रकृति माने दुर्गा, 14वें अध्याय के 3-4-5 श्लोक में लिखा है कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ इसका, इसके पेट में जीव स्थापित करता हूँ जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, त्रोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। इसी का समर्थन भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रगट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, दुर्गा इनकी माता है, मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं।
उन्हें तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा वर्क डन, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने ये स्पष्ट कर दिया, चार कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा जिसने कर्म किया है उतना ही आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये पाप नाश नहीं कर सकते, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल कबीर देव, वो कबीर साहब कर सकते। सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।